शैतानिरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मुनव्वर सुल्ताना किचन। आज मैं एक ज़बरदस्त आपके पास रेसिपी लाई हूँ। इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि कौन सी रेसिपी है, मैं पहले आपको बताती हूँ कि इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी उसमें ये करेले हैं। करेले जो हैं ये मैंने धो के और काट लिए हैं, और काटने के बाद इसको मैंने पानी में नमक के साथ भिगा दिया है। ये बिल्कुल कड़वे नहीं होंगे। आधे घंटे तक मैंने भिगाया है, उसके बाद इसको तला है। अच्छा, उसके बाद मैंने ये जो चिकन लिया है, 100 ग्राम है ये चिकन। और ये अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या करती हूँ इसके साथ, मैं किस तरह से इसको यूज़ करूँगी। इसके अलावा ये मैंने मसाला लिया है, प्याज 2 अदद लिए हैं जिसको मैंने फ्राई कर लिया है, और चिली फ्लेक्स लिया है 1 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून जो है अचार गोश का मसाला है। ये मसाला मैंने खुद बनाया है। और इसके अंदर मैंने हल्दी डाली है, थोड़ी हल्दी डाली है, एक छोटा चम्मच जो है हल्दी डाली है, और एक जो है टीस्पून जो है उसके अंदर सौंफ डाली है। और इसके अलावा इसके अंदर वो ये सौंफ के अलावा धनिया और साबुत धनिया और जीरा, इसको भून के इसमें रखा है। बस ये चीज़ें हैं जो इसके अंदर हैं, और कलौंजी है थोड़ी सी, बस बाकी सब ये है। अब इसका जो तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ इसको क्या करना है। अब मैं इसमें ये डालूँगी, कलर चेंज हो जाए। ये मैंने डाली, और इसके अलावा इसके अंदर जो है लहसुन अदरक का पेस्ट जो है मैंने डाली, ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालती हूँ। ये लहसुन अदरक का पेस्ट इसके साथ जो ये घीती है तो इसमें इसका जो है वो ख़त्म हो जाता है, जो इसकी कोई चीज आती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं एक चीज़ आपको कर लूँ, ठीक है। अभी मैं रोटी भी नहीं सवा रखी थी। ये देखिए, थोड़ा लहसुन थोड़ा ज़्यादा डाला है मैंने लहसुन अदरक, जितना अच्छी तरह से ये भूनेगा। वेलकम बैक टू मुनव्वर सुल्ताना किचन। जैसा कि आपको मालूम है, ये अचार गोश्त, करेला अचार गोश्त बना रही हूँ, और ये न्यू रेसिपी है। इससे पहले आपने नहीं खाई होगी कभी, तो अब ज़रा देखिएगा कि इतनी टेस्टी है, इतने मज़ेदार है। और ये मुनव्वर सुल्ताना किचन है मेरा, इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और फिर आइकन को प्रेस करके देखिएगा। तो हर रेसिपी मेरी जो नई है वो आपके पास पहुँचेगी। अच्छा जी, अब मैंने आपको बताया था ना कि ये करेले जो मैंने धोए थे, धोने के बाद नमक के पानी में डाले थे आधे घंटे, और उसके बाद फिर मैंने किया था कि उसको निचोड़ के, और उसके बाद इसको तला था, और तलने के बाद इसकी ये शक्ल आई है। अब इसको मैं इसमें डाल देंगे, भून चुका है, अच्छी तरह पूरी अच्छी तरह से, इसलिए वो रमानी नहीं कि मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब ये जो है इसी आँच में हल्की हल्की आँच कर दूँगी, इसमें डालेंगे। देखिए, इससे पहले मैं एक और चीज़ इसमें डालने वाली हूँ। ये देखिए, मैंने गर्म मसाला ये डाला है, थोड़ा सा इसमें गर्म मसाला, और ये इमली का पल्प है। ये देखिए, थोड़ी देर में 5 मिनट इसको पकाने को रखूँगी, और थोड़ा सा जो है वो पानी डालूँगी ताकि ये और मज़ीद गल जाए, और ये हल्की आँच कर दूँगी, और इसके बाद इसको तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी। ये पक रहे हैं, तो थोड़ा पानी डाल देती हूँ, फिर आँच तेज़ कर लेती हूँ। बस अब इसे बिल्कुल हल्का करके, ये देखिए इसकी फ्लेम है, मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया है,
और इसमें थोड़ा बस अब इसको थोड़ी सी देर भाग के रख दूँगी तो ये पकते रहेंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक है इसकी, खुशबू भी ज़बरदस्त है। वेलकम बैक टू मुनव्वर सुल्ताना किचन। ये मेरा जो रेसिपी है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। करेली जैसा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 5-7 मिनट के लिए मैंने रख दिया था। अब ये अचार गोश्त और करेले जो है वो तैयार हो चुके हैं। ये मैं डिश आउट कर रही हूँ। ये देखिए ये करेले हैं, ताज़े नज़र आ रहे हैं आपको। और ये इससे पहले कभी डिश लोग नहीं बनाते, गोश्त में नहीं बनाते, अमूमन टीवी में बनाते, लेकिन मैंने इस वक्त गोश्त में बनाया है। ऑन बंद कर देती हूँ और ये ऊपर से थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल दिया मैंने। और आखिर में मैं आपको कहती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह से मेरी रेसिपी जो है शौक से देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। आमीन, अल्लाह हाफिज़।